मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ। है ना, 1912 में टाइटैनिक डूबा दोस्त, टाइटैनिक डूबा, 50,000 टन का जहाज था करीब करीब, 800 फुट बड़ा, 2,500 यात्री थे, 1,500 मर गए, आइसबर्ग से टकरा गया और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में गया। वार्निंग था उसको कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स आइसबर्ग, है ना, कैप्टन इग्नोर द वार्निंग, सिंपली इग्नोर इट, बोला द वे यू आर हेडिंग इट विल टच टू द आइसबर्ग। उसने बोला नो, टाइटैनिक को बोला जाता था अनसिंकेबल शिप, कि कभी डूब नहीं सकता है। हैरान होंगे आप जानकर कि उसमें जो लाइफ बोट थी उसकी संख्या भी आधी रखी गई थी कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैजुअल अप्रोच, 1500 लोग मर गए सर, सन 1912 की बात है। कभी आपको हाथी ने काटा है आज तक? किसी को आज तक हाथी ने काटा है क्या? और मच्छर ने कितने लोगों को काटा है? छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो, छोटी चीज ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। देखो, एक आर्मी कितने ही शानदार औजारों से लैस क्यों ना हो, एक आर्मी में कितने ही शानदार लोग क्यों ना हो, बेस्ट राइफल्स हो, बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, बेस्ट वेपन्स हो, लेकिन अगर जूते ना हो ना तो आर्मी लड़ नहीं सकती। छोटी सी चीज है शूज, बट दे कैनॉट परफॉर्म विदाउट शूज। छोटी सी आग की चिंगारी पूरा जंगल जला देती है, छोटा सा छेद पानी के जहाज को डुबो देता है। छोटी छोटी बातें दोस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी। वो एक लेडी एक डॉक्टर के पास भागी भागी गई, कहते हैं मेरी बेटी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बोला मैडम क्या हो गया, इसके कान में दर्द है, कुछ दवाई दे दो। तो डॉक्टर ने बोला माय डियर डॉटर, छोटी सी बेटी थी तो बड़ी छोटी सी है, ये तो पिल्स नहीं खा पाएगी। तो उसने बोला मैं डालने की दवाई दे देता हूं, है ना, गोली नहीं खा पाएगी तो मैं डालने की दवाई देता हूं, 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स अ डे। लेडी ने बोला ओके, घर चली। 3 दिन के बाद उसको इमरजेंसी एडमिट करना पड़ा, इमरजेंसी एडमिट किया उस बच्ची को, उस डॉक्टर को कंसल्ट किया कि जिसने दवाई प्रिस्क्राइब करी थी। डॉक्टर भागा भागा व्हाट हैपन, कान का देखा तो बुरा हालत। तो उसने लेडी को बोला क्या किया, बोला 5 ड्रॉप्स अ डे 5 टाइम्स। बोला कहां डाला, बोला कान में। बोला खाने को बोला था कि दवाई नहीं खा पाएगी तो 5 ड्रॉप तूने कहां डाल दिया, छोटी सी इग्नोरेंस। डॉक्टर ने भी कैजुअली लिखा और लेडी ने भी कैजुअली, और हालत क्या हुई, कैजुअलिटी में चलेगी लड़की। कभी जिंदगी में कैजुअल मत होना यार। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया, उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा, उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो, गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट, आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो, आप दिखाओ, आपकी भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत है, टीटी ही गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली। कैजुअल अप्रोच विल टेक यू टू, छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके इंपैक्ट बहुत बड़े हैं। वो एक बहुत बड़ा मिलेनियर आदमी था, अपने ऑफिस में जब घुसा, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था, ऑफिस में जब घुसा तो देखा उसने ऑफिस के फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे कागज पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कागज पड़े हैं। झुका और सारे कागज समेटने लग गया, उठाया और पास के डस्टबिन में, सारा स्टाफ देख रहा, इतना बड़ा मिलेनियर, छोटी सी बात, क्या मैसेज दे गई ना, कमाल है। चाहता तो किसी को बोल के झाड़ू लगवा सकता था, इतना बड़ा आदमी। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता, वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश का पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया और वो बच्चों को चेक करने लगा, जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगे। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो, कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे गारंटी कह सकता, 2 दिन करने दो। छोटी छोटी बात बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट डालती है सर, कभी भी छोटी बातों को नजरअंदाज मत कर।